हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस मैच को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो कल का मैच हुआ था, देखिए मैंने आपको बोला था यशस्वी जायसवाल के बारे में, मैंने आपको बोला था ऋतुराज गायकवेड के बारे में बोला था, मैंने आपको संजू सैमसन के बारे में बोला था, रविचंद्रन अश्विन को लेकर मैंने लाइव सेशन में आपसे बहुत कुछ डिस्कशन किया था कि उनकी कैसी वहां पे है, वो विकेट्स उन्होंने निकाली है। और मैंने आपको ये बोला भी था कि रविचंद्रन अश्विन है वो अच्छा कर सकते हैं आज के गेम में। वो जब लो साइड देखने को मिली, मैंने आपको लाइव सेशन में बोला था लो साइड देखने को मिल रही है, स्पिनर्स ज्यादा गेम में रहेंगे तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन का बोलबाला हो सकता है। जो लोग देखे वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। मैंने आपको ये भी बोला था 5-6 मेंबर की लीग खेल रहे हो, वहां पे किसको ड्रॉप करना है, कैसे ड्रॉप करना है, तो चीजें समझोगे तो मजा आएगा। अगर कल मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज आज का भी ये जो मैच है ना, ये उसी लेवल का करने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान में रखना, जो पंजाब की टीम है, बड़े नाम आ रहे हैं पंजाब की टीम में, स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, खेलने के चांसेस रहेंगे, खेलेंगे तो क्या उनका रोल रहेगा, कितना वो कर पाएंगे, इन सब भी चीजों पे आगे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक ही चीज बोलूंगा, विदाउट एनी सेकंड स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को पूरा देख के आप लोग 1,00,000 रुपए का प्राइज विन कर सकते हो। कैसे? देखिए कैसे, आगे इस वीडियो में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपको उन दोनों सवालों के सही जवाब देने। अगर आपके दोनों सवालों के जवाब सही हुए तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, 20 विनर्स इसमें होंगे। कंडीशंस फॉलो जरूर करना, अगर आपके सवाल जवाब सही हुए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ या फिर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फिर आपको प्राइज नहीं मिलेगा। ये नहीं चलेगा कि किशन भाई इस बार दे दो अगली बार पूरा देखूंगा, ये नहीं चलेगा। बार बार ये हो रहा है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा। तो आपको इन कंडीशंस को है वो फॉलो करना है, अदरवाइज फिर प्राइज आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैच को लेकर बात करते हैं। देखिए आगे बढ़े उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आपको कर लेना चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इजीली टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। जो भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके है वो जुड़ जाइए। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं। देखिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेके बात करें उससे पहले, अगर आपको वाकई में अगर आपकी मैच अच्छे जा रहे हैं, प्रेडिक्शन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो 1500 लाइक का टारगेट है, सारे लोग जल्दी से फॉलो कर दो। और आपको ये भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बीच में है वो अटक रहा हो, तो कुछ दिनों की बात है, बिकॉज शायद थोड़ी सी जो है ना वो लैपटॉप में दिक्कत हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि ये दिक्कत आपको ना हो, बस लाइक कीजिए। देखिए जो पंजाब की पिच है वो आपको बता दूं कि लास्ट मैच यहां पे खेला गया था, पंजाब ने काफी बढ़िया स्कोर किया था। बढ़िया वेन्यू बढ़िया है, लेकिन ध्यान में रखना जो डायमेंशंस है, जो बाउंड्रीज की लेंथ है वो इतनी छोटी नहीं है। अगर छोटी डायमेंशंस नहीं है, इसका मतलब यहां पे भी जो स्पिनर्स है वो गेम में रहेंगे, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प होती है। जब डायमेंशंस जो बाउंड्रीज की लेंथ है वो छोटी होती है तो स्पिनर्स की पिटाई होती है भैया, लेकिन उतनी छोटी नहीं है, तो यहाँ पे स्पिनर्स गेम में रहेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे जो भी कैप्टन टॉस स्पिन करेगा वो चेजिंग करने का फैसला ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग थोड़ा सा इजी होता है। 2019 की बात करें तो 7 मैच खेले गए थे, 5 मैच है जो कि चेजिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वो चीजें फॉलो करेगी। जो भी कैप्टन टॉस स्पिन करेगा बॉलिंग करने का फैसला यहाँ पे ले सकता है, ध्यान में रखना इस चीज को। अब देखिए रिसेंट के मैचेस की बात करते हैं, रिसेंट में क्या हुआ, ये 1 अप्रैल 2023 पंजाब ने 191 किए, केकेआर चेज नहीं कर पाया, 12 में से 8 फास्टर्स को, 4 स्पिनर्स को। 2022 का मैच है, इंडिया ने 208 किए थे, ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया, 12 में से 8 फास्टर्स को, 4 स्पिनर्स को। 2019 का मैच है, साउथ अफ्रीका ने 149 किए और इंडिया ने चेज कर लिया, 8 में से 5 फास्टर्स को, 3 स्पिनर्स को। देखिए इस सीजन का जो मैच हुआ ये चेज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों ही जगह है वो चेजिंग हुई है, चेजिंग थोड़ी सी इजी है, ध्यान में रखना विकेट्स थोड़े से कम दिख रहे हैं, यहाँ 12 विकेट्स गिरी, उसके अलावा देखोगे यहाँ 12 विकेट्स गिरी, यहाँ 8 विकेट्स गिरी, तो यहाँ पे भी मुझे जो ज्यादा रोल
लग रहा है ना, वो मुझे यहाँ पे ऑलराउंडर्स का है, वो ज्यादा रोल लग रहा है जो 3 से 4 ओवर यहाँ पे डालते हो, तो उनको ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए इजी होगा। बाकी अब आपके बढ़िया आपके अच्छा जो अगर आपको कोई बढ़िया ऐप चाहिए, आप लोस में चल रहे हो, तो आपको माय मास्टर 11, जी हाँ, इंडियाज बिगेस्ट क्रिकेट लीग इज बैक, आईपीएल में माय मास्टर 11 आया है, जहां पे आपके जीतने के बहुत चांसेस होंगे। अब देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपको है वो माय मास्टर 11 डाउनलोड करना चाहिए। देखिए जो लोग लोस में चल रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, पहली चीज नया एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे, आप एकदम बकवास से बकवास टीम के साथ भी आपके यहाँ पे जीतने के चांसेस रहेंगे, तो इस कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। दूसरी चीज क्या है, ये नया एप्लीकेशन है, इसमें ज्यादा यूजर्स नहीं है, बहुत कम लोग खेल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड आईपीएल में चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे खेलते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो इस 1 करोड़ के लीडर बोर्ड में भी आपके टॉप करने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माई मास्टर 11 को डाउनलोड कर लो, मजा आएगा, दोनों तरफ आपके चांसेस है वो बढ़ जाएंगे जीतने के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, जहां पे आपको रोज है वो 50,000 रुपए का फ्री गिवअवे भी मिल रहा है, तो ध्यान में रखना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, टोटल 57 मैचेस खेले गए, टीम बैटिंग फर्स्ट ने 25, टीम चैजिंग ने है वो 25 और चैजिंग ने 32 जीते, 166 का एवरेज स्कोर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 150 से नीचे की स्कोरिंग 12 टाइम्स, 150 और 169 15 टाइम्स, 170 और 189 21 टाइम्स और 190 प्लस 9 टाइम्स, यानी कि हर टाइप की स्कोरिंग देखने को मिली है। आज पंजाब और जो मैच है गुजरात का, दोनों का बैटिंग लाइनअप ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे है वो रन्स बनने चाहिए, 170 के करीब की तो स्कोरिंग है वो होनी चाहिए आज के मैच में, 170 180। उसके अलावा हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, देखिएगा हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, टोटल 2 मैच खेले गए, गुजरात ने 1 और पंजाब ने 1 जीता है, दोनों ने बढ़िया कंपीट किया, ये मैच है वो पंजाब ने जीता और ये मैच है ये गुजरात ने जीता। कुछ कॉमन प्लेयर्स में यहाँ पे देखोगे रिद्धिमान शाह 21 फ्लोप थे, शुमन गिल यहाँ फ्लोप थे, सुदर्शन ने 65 किए, एमडी शामी मोहम्मद शामी ने 1 विकेट, फर्गुसन 1 विकेट था जो कि अब नहीं है, धवन का देखोगे 62, राजपक्सा ने अच्छा किया 40, लिविंगस्टोन ने बढ़िया किया, रबाडा को 4 विकेट, अर्शदीप सिंह फ्लोप रहे थे। यहाँ पे देखोगे अगेन धवन एवरेज थे, लिविंगस्टोन 64 किए, उसके अलावा जितेश शर्मा फ्लोप थे, रबाड़ा अच्छा किया 2 विकेट, चहर को 1 विकेट, सुदर्शन ने यहाँ पे 35 किए, गिल ने 96 कर दिए, हार्दिक पांड्या 27 प्लस 1, राशिद खान को 3 विकेट और मोहम्मद शामी को यहाँ पे 1 विकेट मिला था। तो यहाँ पे लिविंगस्टोन आ चुके हैं स्क्वाड में अनाउंस हो चुके हैं, उसके अलावा रबाड़ा आ चुके हैं ये भी स्क्वाड में अनाउंस हो चुके हैं, सुदर्शन ने अच्छा किया, उसके अलावा शिखर धवन है उन्होंने अच्छा किया, हाँ शुमन के 1 मैच में फ्लोप रहे और 1 में 96 कर दिए, लेकिन ये सभी प्लेयर मुझे थोड़े से बढ़िया लग रहे हैं कि ये सारे आपकी टीम में है और वो होने चाहिए जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। अब 6 ओवर्स का पावर प्ले ये नहीं देखा तो क्या देखा, देखिए 6 मैच में 12 इनिंग्स होती है, 12 इनिंग्स में आप देखोगे फर्स्ट इनिंग्स होती है, सेकेंड इनिंग्स होती है, और दोनों ही इनिंग्स में 6-6 ओवर का पावर प्ले होता है। अब दोनों ही इनिंग्स में 6 ओवर के पावर प्ले में होता क्या है समझिएगा, देखिए ये मैच हुआ 1 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड में 3 चली गई, यहाँ पे फर्स्ट में 2 सेकंड में 1, यहाँ पे फर्स्ट में 1 सेकंड में 1, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में 1 सेकंड में विकेट नहीं गया, फर्स्ट में 2 सेकंड में 1, फर्स्ट में 1 सेकंड में 1, देखिए 12 इनिंग्स में से केवल 1 इनिंग्स जो कि आप देख सकते हैं चेजिंग करने के दौरान 68 रन पे 0 विकेट, यहां पे विकेट नहीं गया, बाकी 11 इनिंग्स में विकेट गई है, 11 इनिंग्स में विकेट गई है। कोई भी प्लेयर ओपन कर रहा हो, देखिए बड़े नाम है आप ऑफकोर्स ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन जीएल के जब कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो 12 में से 11 इनिंग्स में अगर हर इनिंग्स में विकेट जा रही है तो फिर आप ग्रैंड लीग में दोनों प्लेयर्स को कैसे ले सकते हो, क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हो, तो भाई चीजों को समझोगे मजा आएगा। एक टीम जरूर बना सकते हो जहां पे आप एक इनिंग्स में वो दोनों ओपनर रख सकते हो, बाकी मैं आपको बोलूंगा कि दोनों ओपनर्स है वो मैक्सिमम टीमों में मत रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए पंजाब की प्लेइंग 11 में शिखर धवन और परम सिमरन से
लियाम लिविंगस्टोन आ चुके हैं, तो ये आपको वन डाउन पे दिख सकते हैं। जितेश शर्मा, अब सिकंदर रजा राजपक्षा है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो सिकंदर रजा और राजपक्षा में से थोड़ा सा रहेगा कि दोनों में से कौन खेलेगा। हालांकि सिकंदर रजा के बॉलिंग करने के चांसेस कम रहेंगे, बिकॉज सामने वाली टीम में आपको मैक्सिमम राइट हैंड बैट्समैन मिलेंगे, तो वहां पे मुझे लग रहा है लिविंगस्टोन थोड़े ओवर डाल सकते हैं। सैम करन, शाहरुख खान, हरमनप्रीत बराद, अब नाथन एलिस और रबाडा में से भी कोई एक खेलने के चांसेस है, क्योंकि रबाडा अवेलेबल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है रबाडा खेलने चाहिए। राहुल चेहर है और अर्शदीप सिंह है। अब देखिए डेथ में गेंदबाजी अर्शदीप करते हैं, नाथन एलिस और रबाडा कोई भी खेलेगा वो यहाँ पे डेथ में गेंदबाजी करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पावर प्ले में भी अर्शदीप और आपको नाथन एलिस या फिर रबाडा देखने को मिल जाएंगे। सैम करन छह ओवर में तीनों है वो गेंदबाजी करते हैं। फुल स्टैट्स पे चलते हैं, शिखर धवन का नाम आता है, 14 मैच खेल चुके हैं वेन्यू पे जहां पे 32 का एवरेज इनका रहा है। उसके अलावा देखोगे हेड टू हेड में 97 रन कर चुके हैं दो मैच में, तो यहां पे हेड टू हेड भी काफी बढ़िया है। लास्ट मैच 99 नॉट आउट, 86 नॉट आउट, 40 37 39, तो लगातार शिखर धवन यहां पे अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हो काफी लोग इनको कैप्टनसी देके आएंगे, बट एक चीज का ध्यान में रखना, शिखर धवन अपनी विकेट की वैल्यू करते हैं, अपनी विकेट जल्दी गवाते नहीं है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप एसएल खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो, वहां पे अगर आप लोग चांस लेना चाहते हो तो आप शिखर धवन को सीवीसी मत करना, और कुछ अगर ज्यादा चांस लेना चाहते हो, 5 से 6 मेंबर 7 मेंबर जा रहे हो, तो आप चाहो तो शिखर धवन को वहां पे ड्रॉप भी करके जा सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखना, कंडीशंस मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे गिवे का पहला सवाल। दोस्तों गिवे का पहला सवाल यह होगा कि आज के मैच में जो शिखर धवन है वो आपको कितने फैंटेसी के पॉइंट्स देंगे, ये आज का पहला सवाल होगा। इस सवाल का आपको सही सही जवाब देना है। दूसरा सवाल आगे आएगा, पर्व समरन सिंह एक मैच खेले हैं, 23 का एवरेज हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो देखिए पर्व सिमरन सिंह के आपको नंबर्स काफी बढ़िया दिखेंगे, लेकिन दिक्कत बताए क्या रहेगी, दिक्कत अगर थोड़ी सी घास ज्यादा हुई तो वहां पे दिक्कत रहेगी इनको एमटी शमी से, मोहम्मद शमी से। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर इनसे पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने तो फिर भाई जो राशिद खान है वो इनके लिए दिक्कतें कर देंगे, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी लिविंगस्टोन है, वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड में 2 मैच 94 रन की है, 1 विकेट भी है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो आपको ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज, अगर राशिद खान से बच गए तो बेस्ट कैप्टन मुझे लिविंगस्टोन लग रहा है, क्योंकि इनका जो अटैक है ना, बड़े बड़े छक्के, बड़े बड़े हिटिंग, थोड़ा सा राशिद खान से मुझे इनके लिए दिक्कतें रहेगी। अगर गेंदबाजी करते हैं तो कैप्टनसी दे सकते हो। जितेश शर्मा 1 मैच 21 का एवरेज, हेड टू हेड देखोगे 1 मैच में 23 रन की है, रिसेंट फॉर्म देखोगे, देखिए लास्ट मैच को छोड़ दे तो यहाँ पे ये ऐसा बोल सकते हो कि नंबर्स बढ़िया है, नोट आउट रहे हैं, अच्छा फिनिश करते हैं। यहाँ पे शिखर धवन और जितेश शर्मा में से एक उठा सकते हो, चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। सिकंदर रजा है 1 मैच 16 रन 1 विकेट इस वेन्यू पे, हेड टू हेड देखोगे नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो उतना खास सिकंदर रजा ने नहीं किया, तो शायद सिकंदर रजा की जगह आपको राजपक्षा भी देखने को मिले। आज के मैच में शायद गेंदबाज करने के भी उतने चांसेस ना बने, बिकॉज सामने वाले टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है। उचरा सैम करन की बात करते हैं, आपको लेना पड़ेगा, 6 मैच 8 विकेट 56 का एवरेज है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म देखोगे 22+0 1+0 26+1 4+0 12+1, तो उतनी बढ़िया फॉर्म आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हां आपको बैट प्लस बॉलिंग दोनों से बैक करते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है होने चाहिए। शाहरुख खान वेन्यू पे नहीं, 2 मैच में 15 का एवरेज, हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म देखोगे आपको बड़े नंबर्स नहीं दिखेंगे, बहुत नीचे आ रहे हैं, तो स्मॉल लीग में ये रिस्की है। हरमनप्रीत बराद 2 मैच 0 विकेट, हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे इनके भी आपको उतने बड़े नंबर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान में रखना, सामने वाले टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में हरमनप्रीत बराद आपकी टीम में होने चाहिए। राहुल चहर 1 मैच 1 विकेट, हेड टू हेड देखोगे 2 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो देखिए इनके नंबर्स आपको विकेट्स के नंबर्स दिखेंगे, लेकिन जो बल्क की बात करते हैं यहाँ पे 2-3 विकेट्स निकाले जाते हैं वहां पे थोड़े से ड्रॉप रहते हैं। हालांकि इस वेन्यू के लिए राहुल चेहर एक बढ़िया पिक बन सकती है। बाकी नाथन एलिस है 1 मैच 1 विकेट,
हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इनका बढ़िया है रिसेंट फॉर्म। देखिए इनकी जगह अगर रबाडा खेलते तो भी आपको लेना है, नाथन एलिस खेलते तो भी आपको लेना है, अर्शदीप सिंह को भी आपको लेना पड़ेगा। 3 मैच में 5 विकेट है, हेड टू हेड देखोगे 2 में 1 है, रिसेंट फॉर्म देखोगे लगातार विकेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों है ना इनको आपको लेना है। अब नाथन एलिस की जगह अगर रबाडा आ रहे हैं तो वहां पे आप रबाडा को ट्राई कर लेना। बाकी यहाँ पे बैंक से जैसा कि मैंने आपको बोला मैथ्यू शॉर्ट लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि इनको मौका मिलेगा। ये बिग बैश मैंने आपको बोला था बिग बैश खेल के आए, बिग बैश में स्कोरिंग करने से आईपीएल में नहीं होगी और आईपीएल में स्कोरिंग करने से बिग बैश में स्कोरिंग नहीं होगी, तो चीजें समझोगे ना बहुत अच्छा कर पाओगे। भानुका राजपक्षा आ चुके हैं, तो भानुका राजपक्षा का आप देखोगे तो यहाँ पे 50 भी कर चुके हैं, 1 नॉट आउट भी जा चुके हैं, पावर हिटर है, थोड़ा सा हिट एंड मिस वाला केस रहता है। रबाडा भी आ चुके हैं, इनका भी आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ये अच्छी खासी विकेट है, वो बल्क में निकाल लेते हैं, तो ध्यान में रखना इन चीजों का। बाकी गुजरात की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, शाही सुदर्शन, हार्दिक पंड्या लास्ट मैच नहीं खेले थे लेकिन मुझे लग रहा है कमबैक करेंगे, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवटिया, राशिद खान, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ और यश दयाल, ये 11 प्लेयर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे तो राशिद खान, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ, यश दयाल और यहाँ पे हार्दिक पंड्या, ये 5 बॉलर आपको देखने को मिलेंगे। पावर प्ले में हार्दिक पंड्या गेंदबाजी करते हैं, उसके अलावा मोहम्मद शामी करते हैं, यश दयाल ये भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। यश दयाल ने लास्ट मैच में आपको पता होगा केकेआर के सामने 5 छक्के रिंकू सिंह से खा के है, टीम की लुटिया डबोई थी। रिद्धिमान शाह का नाम पहला आता है, 20 मैच 26 का एवरेज है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड देखोगे 2 मैच में 26 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म आप देखोगे यहाँ पे आपको ठीक ठाक पॉइंट्स दे देते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत मुझे रहेगी, किससे दिक्कत रहेगी, अगर रबाडा खेलते हैं तो उनसे मुझे लग रहा है दिक्कत रहेगी, बाकी रिद्धिमान शाह है वो बढ़िया पिक है, ओपन करते हैं ले सकते हो। शुभमन गिल 1 मैच 65 रन, हेड टू हेड देखोगे 4 मैच में 30 का एवरेज है इनके हेड टू हेड में, तो ये बढ़िया है, रिसेंट फॉर्म भी देखोगे तो ये भी बढ़िया है शुभमन गिल का। अगर आप चाहो तो शुभमन गिल को कैप्टनसी दे सकते हो, हाँ रबाडा खेलेंगे तो शायद पेस से है वो दिक्कत हो, बाकी ओवरऑल शुभमन गिल एज ए कैप्टन आप ले सकते हो। बाकी शाही सुदर्शन वेन्यू पे नहीं, हेड टू हेड देखोगे 2 मैच में 100 रन किए, रिसेंट फॉर्म देखोगे लगातार अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिक्कत में दिखे, कौन शाही सुदर्शन। देखिए अगर आपको सेफ जाना है शाही सुदर्शन लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी चांस लेना है तो शाही सुदर्शन को आप ड्रॉप करके चलिए, इनफैक्ट आप स्मॉल लीग में ना से ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में कुछ में आप ड्रॉप करके जरूर चलिए। हार्दिक पंड्या 2 मैच 7.5 का एवरेज, 0 विकेट, हेड टू हेड देखोगे 4 मैच में 23 का एवरेज, 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो आईपीएल में अभी तक उतना खास नहीं कर पाए हैं जो 2 मैच खेले, बट अगर गुजरात की टीम पहले बैटिंग कर रही है मैं हार्दिक पंड्या को कैप्टनसी दूंगा क्योंकि ये आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। विजय शंकर है 2 मैच 19.5 का एवरेज है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड देखना 1 मैच में 0 विकेट है, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म देखोगे 63 लास्ट मैच में 29 है 27 है, तो रिसेंट फॉर्म लास्ट के कुछ मैचेस बढ़िया रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है विजय शंकर में, ये चीज आपको क्लियर कर दो क्योंकि इस बंदे को मैंने जब भी लिया है इसने मुझे कभी भी जितवाया नहीं, हराया ही है, तो वो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इसके चलते हैं वो विजय शंकर को नहीं रखूंगा। हाँ डेविड मिलर है, फिर डेविड मिलर है कि अगर गुजरात की टीम पहले बैटिंग कर रही है 45 के एवरेज से इस वेन्यू पे है, 17 के एवरेज से हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म देखोगे दोनों मैचेस में नोट आउट रहे हैं, उतनी बैटिंग नहीं आई है, तो फर्स्ट बैटिंग में फिर डेविड मिलर ले सकते हो। राहुल तेवटिया 3 मैच 4 विकेट 20 का एवरेज, हेड टू हेड में 4 मैच में 9 का एवरेज, 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो देखिए यार बैटिंग ही नहीं आ रही है तो बंदा करे क्या, गेंदबाजी नहीं मिल रही, बैटिंग नहीं आ रही, तो स्मॉल लीग में ये रिस्की रहेगा। राशिद खान है 3 मैच में 3 विकेट इस वेन्यू पे, हेड टू हेड देखोगे 4 में 5 है, रिसेंट फॉर्म देखना, मतलब इसकी सबसे बड़ी पता है बात क्या है, राशिद खान, मैं आपको राशिद खान को लेके ये भी बोल सकता हूं कि शायद राशिद खान को आज के मैच में विकेट ना मिले या फिर एक ही मैक्सिमम एक ही विकेट मिले, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये आते हैं 12 ओवर के बाद जहां पे लगातार ये डैश की तरह गेंदबाजी करते हैं। लास्ट मैच में आपको पता होगा शायद 90th ओवर या फिर 80th ओवर डाला था, 3 विकेट है वो, इन्होंने हैट्रिक बनाई थी, उससे पहले इनको विकेट नहीं मिली थी, अगर वो दिक्कत ना होना, अगर वहां विकेट नहीं मिली तो शायद स्टार्टिंग में इनको विकेट नहीं मिलेगी तो समझना। उसके बाद मोहम्मद शामी 11 मैच में 13 विकेट, हेड टू हेड देखोगे 7 मैच में 5 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ओवरऑल मोहम्मद शामी विकेट निकाल रहे हैं, डैश में भी इनका 1 ओवर रहता है, तो मोहम्मद शामी फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं।
जोसेफ की बात करते हैं मेन्यू पे नहीं, एक मैच में जीरो विकेट हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ये भी अच्छा जा रहे हैं, अच्छी पेस है अलजारी जोसेफ के साथ। बाकी यश दयाल है मेन्यू पे हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे उतने बड़े नंबर्स नहीं है। और मैंने रिंकू सिंह के सामने इनकी गेंदबाजी दिखी, मुझे वो इंपैक्ट दिखा नहीं। बाकी देखिए ग्रैंड लीग में ऑफकोर्स आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गेंदबाज है अगर यहाँ पे यश दयाल ये सारे बढ़िया गेंदबाज है तो जो पंजाब की टीम है वो यश दयाल को टारगेट करने की तरफ जा सकती है, और अगर किसी गेंदबाज को टारगेट किया जाए तो उसके विकेट निकालने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। बाकी देखिए जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो ये आज इंपैक्ट में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें से मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिखेगा, जोशुआ लिटिल है वो लगातार गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की, देखिए प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, सुमन गिल राहुल चहर ने दो बार आउट किया लेकिन बढ़िया खेले, अर्शदीप सिंह ने एक बार इसको भी बढ़िया खेले, रबाड़ा के सामने दो बार, रबाड़ा के सामने स्ट्रगल है यहां पे सुमन गिल का 37 बॉल में 29 रन, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। उसके अलावा देखोगे रिद्धिमान शाह का रबाड़ा के सामने दो बार विकेट है, पिटाई किया लेकिन दो बार विकेट है, सुदर्शन का देखोगे चहर के सामने एक बार, हार्दिक पांड्या सैम करन ने एक बार आउट किया, अर्शदीप सिंह ने एक बार आउट किया, रबाड़ा ने दो बार आउट किया लेकिन हार्दिक पांड्या खेले सबको बढ़िया है, डेविड मिलर रबाड़ा ने एक बार और अर्शदीप सिंह ने है वो एक बार लेकिन बढ़िया खेले, विजय शंकर का देखोगे रबाड़ा ने एक बार अर्शदीप सिंह ने है वो एक बार आउट किया है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो बात करते हैं यहाँ पे शिखर धवन की, राशिद खान ने चार मरतबा ये स्ट्रगल देख लो आप 56 में 53, अगर कैप्टन बना रहे हो कुछ चीजें समझना, इसीलिए वीडियो बनाई जाती है। हार्दिक पांड्या ने एक बार, लिविंगस्टोन का देखोगे हार्दिक ने एक बार, राशिद खान ने चार बार, देखिए विकेट्स के नंबर आपको ज्यादा देखेंगे चार लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए 69 बॉल में 119 रन तो ये ठीक है लेकिन दिक्कत में डाल सकते हैं। यहाँ पे जितेश शर्मा का देखोगे तो यहाँ पे नालकंडे ने है वो एक बार आउट किया, रज्जा का देखोगे राशिद खान ने तीन बार टोटली स्ट्रगल किया है, हार्दिक पांड्या ने है वो एक बार आउट किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और बाकी हमारे गिवे का दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, दूसरा सवाल यही रहेगा कि आज के मैच में जो हार्दिक पांड्या है वो आपको कितने फैंटेसी के पॉइंट्स देंगे, हार्दिक पांड्या कितने फैंटेसी के पॉइंट्स देंगे, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो मैंने आपको बता दिया, दोनों सवालों के सही जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ओनली फॉर गिवे के लिए नहीं आपके सपोर्ट के लिए सारे लोग लाइक कीजिए। अब टीम पे चलते हैं, टीम कैसी होनी चाहिए, देखिए टीम में मैंने क्या किया, यहाँ पे रिद्धिमान शाह को मैंने रखा, अगर आप चाहो जितेश शर्मा कर सकते हो, शिखर धवन की जगह जितेश शर्मा कर सकते हो, सुमन गिल डेविड मिलर की जगह जो लोग सेफ जाना चाहे वो सीधा सीधा साई सुदर्शन कर लेना, सैम करन मैथ्यू शॉर्ट, अब मैथ्यू शॉर्ट के खेलने के चांसेस नहीं है तो मैथ्यू शॉर्ट की जगह सीधा सीधा कौन आएंगे, सीधा सीधा लिविंग स्टोन आएंगे, मुझे पहले लगा था ये खेलेंगे तो इनके जगह लिविंग स्टोन आएंगे तो उनको ले लेना, हार्दिक पांड्या अर्शदीप सिंह राशिद खान अलजारी जोसेफ नाथन एलिस, अब अगर रबाड़ा खेलते हैं तो नाथन एलिस को नहीं फिर आपको रबाड़ा को लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।